Welcome back to my channel. This is Kavita Sethi. First of all, wish you all a very happy Diwali. Have a safe and green Diwali. वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अगले 2 दिनों के लिए आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं दिवाली के लिए एक स्पेशल कॉर्नर और यू कैन से अ कोजी कॉर्नर फॉर दिवाली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स के स्ट्रिंग्स जो मेरे पहले वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। इस फ्रेम के इनर रिंग पे हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स की स्ट्रिंग्स को कुछ इस तरीके से लगाएंगे जिससे इसका एक एंड लूप के चारों तरफ स्टेपल कर दें और दूसरा एंड स्ट्रिंग का हैंग होता रहे। मैंने यहाँ पे फ्लावर्स की 5 स्ट्रिंग यूज की है। दिस इज अप टू यू, आपको कितना बड़ा रिंग या कितनी बड़ी कैनोपी बनानी है जो मैं बनाने जा रही हूँ अभी, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्ट्रिंग्स लगानी है। इट्स टोटली अप टू यू। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक फैब्रिक या साड़ी या 2 दुपट्टे मिला के आप एक लंबा फैब्रिक बना सकते हैं। लेंथ हमें चाहिए होगी एटलीस्ट 5 to 6 meters। इस रिंग को मैं नेल पे एक थ्रेड की हेल्प से हैंग करूंगी सो दैट मैं कैनोपी की लेंथ अपने अकॉर्डिंग अचीव कर पाऊँ। अब जो हम फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे और उस मिडिल पॉइंट को फ्रेम के मिडिल पॉइंट पे रख के उसके ऊपर वाले रिंग को अटैच कर देंगे सो दैट फैब्रिक उस फ्रेम के बीच में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। प्लास्टिक के बड़े साइज के सीक्वेंस हैं जो मैं हमेशा मिरर की जगह पे इसको यूज करती हूँ, क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं, आसानी से हैंग हो जाते हैं और रिफ्लेक्शन एकदम मिरर जैसा देते हैं। इसको मैंने गोटा स्ट्रिंग पे स्टेपलर की हेल्प से स्टेपल कर दिया है जिससे मेरा काम बहुत ही आसान हो गया है और ये लगने के बाद बहुत ही शाइनी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। कोजी कॉर्नर के साइड्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे केजेस लिए हैं जो काफ़ी लंबे हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे पीछे लगाया है। इसके अंदर मैंने नेट के कुछ पीसेस डाले हैं जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थे और उन्हीं आर्टिफिशियल फ्लावर्स के स्ट्रिंग्स मैंने लगाई हैं। ये स्ट्रिंग्स आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, ये मेरे पास अवेलेबल थी ऑलरेडी, तो मैंने उसको रैंडमली प्लेस किया है केजेस पे। और उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग लाइट यहाँ पे लगाई है जो कि सेल से चलती है और मैंने कुछ बॉटल्स को रीयूज़ किया है। इसमें एक बॉटल में मैंने कुछ पॉम्पॉम डाले हैं जस्ट टू ऐड सम कलर्स और उसमें भी दोनों बॉटल्स में मिला के मैंने एक स्ट्रिंग लाइट जलाई है। क्योंकि मुझे ये फ्लोर अच्छा नहीं लग रहा है, ये बेस दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके लिए भी नेट के जो मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे उनको रैंडमली प्लेस कर दिया है जिससे कि ये जो बेस है ये कवर अप हो गया है और ब्राइट कलर यूज़ करने की वजह से काफ़ी पॉप आउट हो रहे हैं कलर्स और कंट्रास्ट में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कलर। अब मैं साइड में जितनी भी चीजें लगाने जा रही हूँ वो सब रेडीमेड हैं।
यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पतली दरी यूज की है इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैवी रग। उसके ऊपर मैंने एक दुपट्टा डाला है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट हुआ है इससे। के बाद मैंने एक चौकी लगाई है यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है। उसके ऊपर मैंने अपना लास्ट DIY रखा है एक गोटे के पैच के ऊपर, जो कि मैंने DIY ही किया हुआ है इसको भी। और इसी की प्लेट को साइड में प्लेस किया है विद अ पैच वर्क। मैंने यहाँ पे दो साइज के कुशंस यूज किए हैं और तीन तरीके के कुशन कवर्स यूज किए हैं। एक सीक्वेंस वाले थोड़े कलर्स देने के लिए, शाइन देने के लिए, एक बेज और क्रीम थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए, और छोटी ट्रेडिशनल कुशन कवर्स थोड़ा दिवाली से रिलेट करने के लिए। अब मैं सेंटर पीस में कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स प्लेस कर रही हूँ और साथ में ही जो प्लास्टिक के सीक्वेंस मैंने दिखाए थे उनको भी डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर्स देने के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक और वाइट शेड्स हैं। दिवाली स्पेशल कोजी कॉर्नर रेडी है अभी, तो लेट्स हैव अ लुक।